महाविद्याओं में छठी साधना छिन्नमस्ता साधना कहलाई जाती है। छिन्नमस्ता के बारे में, छिन्नमस्ता देवी या इस महाविद्या के बारे में लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इसको अगर एक शब्द में, एक वाक्य में अगर इसका निर्वचन किया जाए तो एक यह ऐसी साधना है, असंभव को संभव बनाने वाली साधना है। जो काम नहीं होता ऐसा हम दिल में समझते हैं, तो उस काम को निश्चित रूप से साधना करने वाले का काम होता ही है। ऐसी असंभव साधना को छिन्नमस्ता साधना कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में, हम बहुत सारी कहानियां आपने भी सुनी होगी, मैं भी तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार शिव जी कैलाश पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, पूर्ण ध्यान में थे, और माता पार्वती शिव जी के पास आई और उनका शिव जी के प्रति ये कहना था कि हम आनंद विहार करेंगे, आप जाग जाओ, योग से बाहर आ जाओ। लेकिन शिव जी इतने ध्यानस्थ ध्यान मग्न थे कि उनका असर उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। उनके साथ उनकी दो सहचरियां भी थी, वो सब फूल आदि जुटाकर लाई, सारी तैयारी की कि हम शिव जी के साथ विहार करें, लेकिन शिव जी ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे थे। माता पार्वती ने बहुत प्रयत्न किया, एक पति को किस तरह रिझाने से रिझता है उसकी सारा प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन शिवजी है कि डग से मग नहीं हुए। वो नग्न हो गई, अपनी दोनों शाकिनी ढाकिनियों को कहा कि आप फूल आदि सब व्यवस्था करो, मैं आ रही हूँ। कितना भी कहने पर शिवजी का ध्यान नहीं टूट रहा था। माता पार्वती ने कहा, इतना ध्यान करते हो किसके लिए करते हो, कौन क्या चाहते हो तुम? शिवजी उसको फिर भी बात नहीं करते गए, तो उन्होंने कहा कि आज अगर आप अभी 5 मिनट के अंदर नहीं हुए तो मैं संसार को क्षुब्ध कर दूंगी। क्षुब्ध का मतलब होता है संसार को उथला उथल पुथल कर दूंगी संसार में, आपको आप बाहर आना ही। फिर भी शिवजी अपने ध्यान मग्न थे। माता पार्वती ने देखा कि ये बात ठीक से नहीं सुन रहे हैं, और उन्होंने शाकिनी और डाकिनी अपने दोनों सहचरों को कहा कि तुम एकदम संसार को प्रलय जैसा एक वातावरण निर्माण करो। प्रलय जैसा वातावरण निर्माण हो गया तो शिवजी का ध्यान टूटा। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये नग्न होकर तू क्या कर रही है, तू क्या चाहती है? तुझे पता है एक योगी साधना में सिद्ध होने के लिए कितना समय लगता है, उसको उसका सहस्त्रार्थ जागृत होने के लिए कितना समय लगता है, उसे कितना कुछ करना पड़ता है? माता पार्वती 5 मिनट की रही, वो कहती है कि तुम किस चीज को चाहते हो कि योग निद्रा या योगी एक सिद्ध कहलाता है, किसको चाहते हो? उन्होंने कहा, जिसकी सुषुम्ना इंद्रा पिंगला तीनों नाड़ियां जागृत हो और वो सहस्त्रार्थ बहते रहे, उसे उस योगी का ध्यान ब्रह्मांड को पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है। तो माता पार्वती ने कहा, क्या तुम समझते हो कि मेरी सुषुम्ना इंद्रा पिंगला नाड़ी जागृत नहीं है? तो उन्होंने कहा, जागृत रहती तो तुम ऐसी चेष्टाएं नहीं करती। माता पार्वती हंसी, तुम जो कार्य को हजारों सालों से तपस्या करके इस सहस्त्रार्थ को जागृत करने की प्रक्रिया कर रही हो, मैं बताती हूं, अगर मेरा प्रेम सही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, इससे बड़ा योग कोई नहीं है। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा तपोभंग करने के लिए मैं रतिक्रिया को, विपरीत रति को भी तुम्हारे सामने रखा, मैं नग्न भी हो गई, लेकिन तुम कहते हो कि मेरी सुषुम्ना और इड़ा पिंगली जागृत नहीं है। मैं बता देती हूँ तुम्हें, सुषुम्ना इड़ा पिंगला कैसे जागृत नहीं होती, और उसने अपना सर काट लिया। देखते क्या है कि तीनों धाराएं निकली, जो सुषुम्ना इड़ा पिंगला, और उस धाराओं को इड़ा पिंगला और सुषुम्ना सब अपने मुंड में ले रही थी। उस दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए, शिवजी घबरा गए, और शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तूने क्या किया? आप कहते हो ना कि मुझ में योग नहीं है, मैं अगर शिव से प्रार्थना करती हूँ
और वो रति से ही साथ है, और जो प्रेम करती है स्त्री जिस प्रेम के साथ रहते हैं उसको उसकी योगिनी उसकी योग शक्ति जागृति रहती है, ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और उन्होंने बता दिया, शिवजी ने दोनों हाथ जुड़कर उसके नाभि कमल पर, क्योंकि नाभि से ही हमारी रक्तवाहिनियाँ सुषुम्ना पिंगला जागृत होती है, उसके नाभि कमल पर एक फूल रखा और उसके मुंड पर एक फूल रखा और कहा कि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सारे देवगण देख रहे थे, देवगणों को शिवजी ने देखकर कहा, माता ये तुम्हारा रूप क्या है? तो कहा, जब शिव लुटते हैं, शिव अगर अपना हमारा काम कोई नहीं करते या कोई देवी देवता नहीं काम करते, जो इस रूप की पूजा करेगा उसका असंभव कार्य भी संभव होगा, ये मैं वादा करती हूँ। और उन्हें उससे नमस्ता का रूप शिवजी के सामने रह गया। और बस चीज उस जिसने नमस्ता साधना की उसके जीवन में असंभव कार्य ऐसा नहीं रहता। एक बार शिवजी के ऋषि श्रव नाम के ऋषि थे, इच्छे यंग थे, आप अपने ब्रह्मचर्य के तेज से तपस्या के तेज से जा रहे थे, तो उन्हें देखा कि नदी के ऊपर राजकुमारी कोई राजकुमारी अपनी सहचरियों के साथ स्नान कर रही थी। जब उनकी दृष्टि उस सहचरी पर गई, उस राजकुमारी पर गई, तो उनको लगा कि मैं इसके साथ विवाह करूं। लेकिन जब पता चला कि यह राजकुमारी है और राजा महाराजा चक्रवर्ती है, इसके साथ शादी होना असंभव है, नहीं हो सकता, लेकिन वो थोड़े प्रतिज्ञ थे, वो डायरेक्ट राजा के पास गए। उस राजा का स्वयंवर था, कितने ही राजकुमार उस राजकुमारी को शादी करना चाहते थे, उसने किसी को नहीं माना। ये तो ऋषि दाढ़ी बीड़ी बढ़ावे जटाएं वगैरह पहने हुए वो सीधा राजा के पास गया और कहा, राजा मैंने अभी तुम्हारी कन्या को स्नान करते हुए नदी में देखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दूँ, मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे साथ होने की बात कर रहा हूँ। राजा घबरा गया, ये तो ऋषि संपन्न तपस संपन्न, नहीं कहूँगा तो मुझे श्राप दे देगा, और कहाँ कहूँगा तो फिर मेरी पुत्री क्या कहेगी, कैसे ऋषि से दे, इतने राजकुमार को मैंने नहीं कहा और तुम इसको इसके साथ मेरी इस ऋषि के साथ मेरी शादी करोगे। ये बात चल ही रही थी कि राजकुमारी आई, तो उन्होंने राजा ने कहा, बेटी तुझे क्या बताऊं, ये ऋषि तेरे साथ शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी भी एक बार सन रहेगी कि ऐसा डायरेक्ट बोलने वाला कितना हृदय कितना छाती हो उसके पास, कितनी श्रेष्ठता हो कितनी दृढ़ता हो, वो आके कह दे कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसने तो कह दिया, तो राजा ने कहा, मैं मेरी बेटी से विचार विमर्श करता हूँ और तुम्हारे को बता देता हूँ। राजा विचार विमर्श करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला हूँ। अब तो ये तो जीत हो गई, उनको तो लगा ये तो छोड़ने वाला नहीं। तब बेटी आई और राजा से कहा कि उसके पास एक ऐसी शर्त रखो जो पूर्ण नहीं कर सकेगा। क्या शर्त रखेंगे, राजा को क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, मुझे एक भी दाग नहीं हो, स्वस्थ ऐसे 10,000 सफेद घोड़े चाहिए, उसमें एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, सफेद स्वस्थ 10,000 घोड़े आप दो, मेरी बेटी को शादी करके दे दूंगा। ऋषि हंसा, तुम्हारी शर्त मंजूर है, आज से 8 दिन आप कर लो, 8 दिन के अंदर मैं 10,000 घोड़े श्वेत वर्ण के घोड़े लेकर आ रहा हूँ। राजा परेशान हो गया, ऋषि 10,000 श्वेत घोड़े जिसके ऊपर एक दाग भी ना हो ऐसा ही ला सकता है, और वो भी एक सप्ताह के अंदर? बोले, आप अगर लाते हैं तो मैं शादी निश्चय रूप से करूँगा। बेटी हंस कर चली गई कि इससे इसके साथ क्या होने वाला है। कैलाश पर्वत की तरफ गए और एक औदुम्बर के पेड़ के नीचे बैठे और अपने गुरु अपने देवता का स्मरण किया और कहा कि संसार में 1,000-10,000 घोड़े मुझे 8 दिन में बीज युक्त होकर उसमें एक दाग भी ना हो 10,000 घोड़े चाहिए, और मैं छिन्नमस्ता साधना के लिए बैठा हूँ। छिन्नमस्ता साधना करके बैठ गए, एक ही दिन छिन्नमस्ता साधना के लिए बैठ गए, और ब्रह्मांड में जितने भी है उन सारे घोड़े 10,000 घोड़े एक दिन में, 24 घंटे सप्ताह का टाइम दिया था लेकिन एक दिन में 10,000 घोड़े सामने आए। और उन्होंने कहा, चलो राजा राज की तरफ जाएंगे। 10,000 घोड़े लेकर जब आ रहा है, ये बात राजा को मालूम हो गई कि सफेद इतने घोड़े इतने सुंदर 10,000 घोड़े लेकर ऋषि श्रवा आ रहे हैं। राजा तो चकरा गया, बच्ची भी चकरा गई, ये क्या ऋषि है? तब बेटी कहती है
कि एक ऐसा मनुष्य जो असंभव कार्य को संभव कर सकता है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हूँ। और उसने कहा, राजा जैसे ही कहा, राजा ये तुम्हारे 10,000 घोड़े हैं, मैं अभी तुम्हारे गंधर्व विवाह कर रहा हूँ, चल आ जा। उसकी बेटी का हाथ लिया और चले गए। राजा देखते रह गया। और आजकल के पुरुष हैं मेरे पास आते, गुरु जी मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बच्ची को देख रहा हूँ, बच्ची मेरे को उठा के लिए गई, बच्ची मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसे ही मेरे पास पुरुष हैं जिनकी शादियाँ मैं हर रोज कहता हूँ, अरे बच्ची तेरे पीछे पड़नी चाहिए, तू बच्चियों के पीछे पड़ता क्या? गुरु जी पत्नी रूठ के चली गई, जाने दो ना, दूसरी ले ले, मर्द है तो नहीं है ना, तेरे पास मर्दानगी की बात ही नहीं है। तू न पत्नी को सुखी रखा, न तू सुखी रखा, रोज की कहानियां हैं मेरे पास। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ आपको कि हमारे में वो पौरुषता नहीं रही, और ये पौरुषता केवल आ सकती है तो चिन्नमस्ता साधना से आ सकती है।